तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सेरा कंपनी का डाइवर्टर पहले से लगा हुआ है और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है और ये पुराना मॉडल है। ये चलते मार्केट में ये वाला मॉडल मिल नहीं रहा है और ना इस स्पाउट में पानी आ रहा था ना आपका शावर में जा रहा था। ये ख़राब हो गया है बिल्कुल और ये पार्ट भी नहीं मिल रहा है डाइवर्टर। तो यहाँ पे इस जगह को चेंज करेंगे, यानी डाइवर्टर को चेंज कर दूसरा डाइवर्टर लगाएंगे। इसमें दूसरा जगुआर कंपनी का डाइवर्टर इसमें फिट करने जा रहे हैं। आप बहुत आसान तरीका आज आपको बताएंगे इसको फिट करने के लिए। तो जैसे देख सकते हैं कि हमने पहले से ही इसको तोड़कर सफाई कर दिए हुए हैं। अब यहाँ से आपको कट करना होगा और यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से इसमें ज़्यादा हम तोड़ दीवार नहीं तोड़े हुए हैं, बहुत कम ही दीवार तोड़े हुए हैं, मात्र इसमें चार ही टाइल्स इसमें लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि शावर यहाँ पर लगा हुआ है और नीचे में स्पाउट आपका नल है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये सेरा कंपनी का है। ये वाला मॉडल आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला मार्केट में मॉडल नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ से देखिए इसके बदले में यहाँ पे जगुआर कंपनी का ये डाइवर्टर लगेगा, ये 2E1 डाइवर्टर है, उसके जगह पर इसको आप फिट करेंगे। अब इसी के जगह पर इसको फिट किया जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको कट कर पुराने वाले डाइवर्टर को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे फिट करेंगे इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने कट कर लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिए, देख सकते हैं। अब इसमें का जो भी पुराना वाला सेट होगा एक खोलेंगे, जो MABT इसमें लगा हुआ है, MTA पौना बाई हाफ का ब्रास MTA लगा हुआ CPVC है, इसको हम खोलेंगे और फिर नवा वाला जो नया आया हुआ है डाइवर्टर उसको फिट करेंगे। इसमें बहुत आसान तरीका होगा आपको फिट करने का। तो चलिए दोस्तों अब डाइवर्टर को हम खोलते हैं। देखिए कि जाम है, आप देख सकते हैं इसी की वजह से आपका पानी बहुत कम जा रहा था, इसे देख सकते हैं। चलिए इसको पहले बाहर निकालते हैं क्या चीज़ है। लीची का बिया इसमें फंसा हुआ था, जिसके वजह से आपका स्पाउट नल और शावर में पानी नहीं जा रहा था। आप देख सकते हैं कि लीची का बिया देखिए, अब इसी के वजह से आपको डाइवर्टर चेंज हो रहा है, जो पानी नहीं आ रहा था तो बार बार खोल के बनाने के चक्कर में खराब हो चुका है। और देखिए बिल्कुल इसी के कारण सब देख सकते हैं पुराना वाला ही फिटिंग को टोटल खोल कर इसमें हम डाइवर्टर में कसे हुए हैं, अभी फाइनल नहीं किए हुए हैं। और इसमें चेक पहले कर लेना है कि यही सेम फिटिंग लगेगा कि अलग से भी फिटिंग आपको लाना होगा। तब देख सकते हैं कि सेम फिटिंग आपका यही इसमें लग जाने वाला है। तो चलिए अब इसको फाइनली अब इसमें टेफ्लॉन टेप लगाएंगे MTA में और सॉकेट के माध्यम से फिट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्टर हमने अच्छे से फिट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है। और यहाँ पे देखिए पानी का प्रेशर अच्छे से आ रहा है। चलिए इसका ऊपर के जो अपर पार्ट होता है वो फिट करते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे फाइनल अब हो चुका है। अब चलिए इसमें सीमेंट लगाकर फाइनल कर दिए हम, आप देख सकते हैं मसाला लगाकर फाइनल हो चुका है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जिसे देख सकते हैं पुराने वाले जगह पर नए वाला कैसे किया गया है। धन्यवाद।